अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 12 जुलाई को इनकी शादी होगी। फिलहाल प्री वेडिंग फंक्शंस जामनगर में शुरू हो चुके हैं। इस इवेंट को काफी ग्रैंड बनाया गया है, जिसमें देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। साथ ही बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारों ने चार चांद लगाया। इसी बीच में नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी को लेकर के दो विशेज भी शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने काफी एक्साइटेड है ये भी बताया। वहीं उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए अपनी दो मुख्य इच्छाएं भी बताई। नीता ने बताया कि वो कला और संस्कृति से काफी प्यार करती हैं और उसमें उनकी काफी गहरी रुचि भी है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे वे अपनी विरासत का सम्मान करना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने जामनगर में पार्टी देने का सोचा और इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी। बता दें कि यहीं से उनकी प्रोफेशनल जिंदगी की शुरुआत हुई थी। नीता अंबानी कहती हैं, अपने पूरे जीवन में मैं कला और संस्कृति से इंस्पायर रही हूँ। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है और मैं इसे लेकर काफी भावुक हूँ। जब मेरे सबसे छोटे बेटे अनंत की राधिका के साथ शादी की बात आई तो मेरे पास दो महत्वपूर्ण विषय थे। सबसे पहले मैं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करना चाहती थी। जामनगर हमारे दिल में एक विशेष स्थान रखता है और इसका गहरा महत्व भी है। गुजरात वो जगह है जहाँ मैं आती हूँ और वह जगह है जहाँ मुकेश और उनके पिता ने रिफाइनरी का निर्माण किया था और मैंने इस स्ट्रिप्स और रेगिस्तान जैसे क्षेत्र को एक हरी भरी टाउनशिप और एक जीवंत समुदाय में तब्दील कर अपना करियर शुरू किया था। नीता अंबानी आगे कहती हैं कि दूसरा, मैं ये चाहती थी कि उत्सव कला और संस्कृति के लिए एक श्रद्धांजलि हो और हमारे प्रभावशाली प्रतिभाशाली रचनात्मक दिमागों के हाथों और कड़ी मेहनत से बनाई गई हमारी विरासत और परंपरा का प्रतिबिंब हो। संस्कृति और परंपरा की नींव है भारतीय सभ्यता और इस प्राचीन और पवित्र भारत भूमि में मैं दिल से नमन करती हूँ।